हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट शॉर्ट बनाकर कैसे वीडियो अपलोड करके पैसे कमाएं। आजकल देखते होंगे आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स में जो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर का ही वीडियो आता होगा, क्रिकेटर शॉर्ट्स का ही वीडियो आता होगा। तो आज हम बताएंगे आपको जो कैसे उसको एडिट करके और अपने चैनल पर डालकर और महीने के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे। सबसे पहले आपको जिस भी क्रिकेटर के बारे में बताना है अपने शॉर्ट्स में, तो उस क्रिकेटर का फोटो आप अपने गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और फिर आपको ज़रूरत होगा जो उसके बारे में जानकारी कैसे निकालें। जिस भी क्रिकेटर के बारे में आप बताना चाहते हैं उसका जानकारी कैसे निकालना है, तो आप जाएंगे तो देखेंगे जो गूगल पे ऐसे बहुत से न्यूज़पेपर हैं जो उस क्रिकेटर के बारे में पिक्स या उसके रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं उसको लिख कर डाले होते हैं। तो आप वहाँ से उस चीज़ को भी डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर में जाना है। काइन मास्टर में जाकर वहाँ पे वीडियो को कैसे एडिट करना है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने काइन मास्टर में और वहाँ सब कुछ सीखते हैं जो कैसे वीडियो को एडिट करना है और कैसे अपलोड करना है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम आ गए अपने काइन मास्टर में और अब हम यहाँ से वो सारे फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे जो गूगल से डाउनलोड किए हैं। तो चलिए फ़ोटो को कर लेते हैं सिलेक्ट और सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा फ़ोटो हो गया अब सेलेक्ट। अब इसको कैसे एडिट करना है अब हम बताते हैं। तो गाइस फ़ोटो हमारा यहाँ सेलेक्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को थोड़ा छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेते हैं लेंथ को। और देखिए शॉर्ट वीडियो बनाइएगा ना तो हमेशा इतना ध्यान रखिएगा जो भी शॉर्ट वीडियो बनाइएगा ना वो कम से कम 15 से 20 सेकंड का हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो वायरल होने का चांस कम होता है। जितना छोटा वीडियो रहता है ना शॉर्ट वीडियो उतना ही वायरल होता है। तो हमारा ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जूम कर लेंगे, इस पर टैप करेंगे फिर इसको जूम करेंगे, यहाँ पे ऐसे जूम कर लिए। अब जूम करने के बाद इस पर ऐसे टैप कर देंगे, बराबर कर देंगे। ऐसे ही सारे वीडियो को सारी फ़ोटो को ऐसे ही जूम आउट कर लेंगे, हम सारे फ़ोटो को कर लेंगे ऐसे ही ताकि ये स्क्रीन पे हमें अच्छे से दिखाई दे। तो हमारा हो गया, सारा फ़ोटो ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ऐसे करने से ना फ़ोटो जो होता है ना स्क्रीन के लेवल आ जाता है। तो हम ये कर लिए और वो ऐसे देखने में भी वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी कर लीजिएगा, ऐसे मत बनाइएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कर लिया, आप भी आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि हम तो सिर्फ बता रहे हैं आपको ताकि आप ऐसे करिएगा। लेकिन आप जब भी वीडियो बनाइएगा ना तो वीडियो को अच्छे से एडिट करिएगा, जितना अच्छे से वीडियो को एडिट करिएगा ना उतना ही बेहतर रहेगा। तो आप वीडियो को अच्छे से एडिट करिएगा। चलिए हमने कर लिया। अब करने के बाद क्या करना है हमें, अब हमें चलना है। हाँ, इसमें आप एक काम करिएगा ना, आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दीजिएगा या नहीं भी लगाइएगा। तो हम चलते हैं इसमें थोड़ा इफेक्ट वफेक्ट डाल देते हैं। तो इफेक्ट डालने के लिए ये जो दिखाई दे रहा है ना ये बीच में कटिंग, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद ये इतना सारा इफेक्ट आ रहा है इसमें से हम कोई कोई सा इफेक्ट डाल देंगे। ऐसे डालने से ना देखिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगी। तो आप भी ऐसे डाल लीजिएगा, हर वीडियो में कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर डालिएगा। इफेक्ट डालने से वीडियो थोड़ा अच्छा और मस्त लगता है देखने में। तो ऐसे ही सारे इफेक्ट आप लगा लीजिएगा जहाँ जहाँ कट होगा। तो हम लगा लेते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लगा लिया। अब चलना है फिर से हमें अपने गैलरी में और हमें उस न्यूज़ को स्क्रीन पे लाना है जो न्यूज़ हमने गूगल से डाउनलोड किया है, जिसके बारे में हमें वॉइस ओवर करना है। तो फिर हम चलते हैं अपने लेयर पे, लेयर पे टैप करने के बाद यहाँ मीडिया पे, और फिर हम यहाँ से उस फ़ोटो को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो चलिए हमने फ़ोटो जो डाउनलोड किया था उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पढ़ने में आसान रहेगा। तो ऐसे कर लिए, अब हम इसको कर लेते हैं अपने पूरे वीडियो के लेंथ के बराबर। चलिए कर लिए। अब हमें इसको पढ़ के इसमें वॉइस ओवर करना है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे। अब रिकॉर्डिंग पे टैप करते ही हमारा ये हो जाएगा। हमें यहाँ अब इसको पढ़ के वॉइस ओवर करना है।
तो देखिए गाइस, हमने अपना वॉइस ओवर कर लिया ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इस पिक को डिलीट कर देंगे क्योंकि इस पिक की अब ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे टाइप करके डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये हो गया वॉइस ओवर। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एडिट उडिट कर लेंगे वॉइस को अपने अच्छे से। एडिट करने के लिए इस पर टाइप करेंगे, यहाँ मिक्सर पर आएंगे, अपने साउंड को थोड़ा बढ़ा देंगे, बाकी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक है। अब हमारा हो गया वीडियो एडिटिंग। आप हमें आपको बताना था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो। आप जब भी बनाइएगा ना वीडियो, तो अच्छे से एडिट, अच्छे से वॉइस ओवर करिएगा और अच्छे से बना के। और इसको अब हम कैसे सेव करेंगे, तो यहाँ ऊपर राइट साइड पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम यहाँ से हमेशा HD पे आप वीडियो को सेव करिएगा और यहाँ से सेव पे टैप कर देंगे। वीडियो हमारा यहाँ पे देखिए सेव होने लगा। देखा दोस्तों, हमने कैसे काइनमास्टर में वीडियो को एडिट किया अच्छे से और वॉइस ओवर किया। तो आप ऐसे ही अपने मोबाइल से ऐसे वीडियो एडिट करके और आप अपने YouTube चैनल पे डाल के महीने के अच्छे खासे अर्न पैसे कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।